हम तो पहले ही समझ गए थे कि तुम हमारा पीछा कर रही हो, लेकिन अब कहा है कि आ ही गई हो तो यही रहो इसके साथ में, है? कहे कि जो बाहर जाने वाला दरवाजा है ना बंद है। अब चलो पीछे पीछे पीछे। किसी ने नहीं कहा था तो क्या बिना मतलब के उन्होंने क्लोरोफॉर्म चुपा दिया सुरेश को? इसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? कुछ तो गड़बड़ है, वो दोनों कुछ तो छुपा रहे हैं। आप प्लीज उन्हें ऐसे मत जाने दीजिएगा। वकील साहब, आपको इतना वक्त कैसे लग रहा है? आपने तो कहा था कि सुबह तक सुरेश की जमानत हो जाए। आप कुछ भी कीजिए, उसकी जमानत कराइए। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सुबह तक पता चाहिए उन गुंडों का। अभी तक कुछ पता नहीं चला उन गुंडों का। अरे वकील साहब भी सुरेश की जमानत कराने में बहुत वक्त लगा रहे। जिन गुंडों ने सुरेश को क्लोरोफॉर्म सुंघाया था वो भी तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं ना। कह रहे हैं कि सुरेश ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, इसलिए उन्होंने क्लोरोफॉर्म सुंघा के उन्हें बेहोश कर दिया। वो तो बहुत जल्दी छूट भी जाएंगे। और सुरेश भी तो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर वो बता दे कि उन्हें किस पर शक है तो कम से कम हमें एक रास्ता तो मिलेगा। हाँ बोलो। हाँ भेजो भेजो भेजो। छोटा बबन के लोगों को पता चल गया, वही लोग जिन लोगों ने कारीगरों की पिटाई की थी, वो किसी जगह पे छुपके बैठे हुए हैं। वहां का एड्रेस भेजा है। क्या कर रही हो तुम? पापा, मैं उन गुंडों से खुद जाकर बात करूंगी, खुद सवाल करूंगी। विधान, मुझे पता बताओ। पर भाभी माँ, ये पुलिस का काम है। हमारे पास वक्त बहुत कम है विधान, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन दुश्मन है सुरेश का जो ये सब कुछ करवा रहा है। वो आदमी पुलिस की हिरासत में भी सुरेश पर हमला करवा चुका है। क्या पता कोई पुलिस वाले उसे मिला हो। अगर हम इन गुंडों से उस दुश्मन का नाम निकलवा लें तो हो सकता है कि हम सुरेश पर अगला हमला होने से रुकवा सकेंगे। फाल्गुनी बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक है। हमें नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह के लोग होंगे और उनके पास कौन कौन से हथियार होंगे। तुम अपनी जान और अपनी इज्जत दोनों दांव पे लगा रही हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता बेटा। सुरेश की जान को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ पापा, प्लीज मुझे मत रोकिए। चाहे उनके दिल में मेरे लिए कितनी भी नफरत हो, मेरे दिल में तो उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। सुरेश बहुत किस्मत वाला है बेटा, उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। पता नहीं उसे बात कब समझ में आएगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो तभी होगा ना पापा, जब मैं बिना किसी शिकायत के अपना कर्तव्य निभाती रहूं। भाभी, मैं आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। मेरे तो फाल्गुनी का ख्याल रखना। वादा करता हूँ डैड, अभी मैं आज भी नहीं आने दूंगा। लड्डू, क्या हुआ? वो कल रात सर पर चोट लग गई थी, उस जगह फिर से दर्द हो रहा है। क्या? तुम जानती हो लड्डू, मैं तुम्हारी मासी हूँ। हाँ जानता हूँ, फाल्गुनी आंटी मेरी माँ है और सुरेश अब मेरे बापू। तुम्हें किसने बताया? भारी वाली आंटी ने। अब वो ठीक हो गई है ना? सुरेश के घर में रहती है। वो ठीक है? हाँ, उन्होंने तो मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। वो तो बापू आ गए थे इसलिए मैं बच गया। तभी उन्होंने बापू को बताया कि मैं सुरेश और फाल्गुनी का बेटा हूँ। इसका मतलब
चीजों पर हमला करवाने वाले उनकी सबसे बड़ी दुश्मन वो ही है। वो अकेली नहीं है, मेरे बापू भी उनके ही साथ हैं। मुझे बापू बार बार उधर भेजते थे ना, कभी रावत हवेली कभी राधा जी की पोल। वो इसलिए भेजते थे जिससे कि शोरशाप की उन्हें खबर मिल जाए। बापू को ये काम एक अमीर आदमी ने दिया है, वो ही बताता है बापू को कि क्या करना है कब करना है। लड्डू उस आदमी का नाम क्या है? नाम तो मैं भूल गया। मतलब मॉम ने जीजू के किसी दुश्मन से हाथ मिलाया है, पर कौन? कौन हो तुम? ये तो सुरेश रावत की बीवी है। कहिए क्या सेवा करें आपकी? बस मुझे इतना बता दो कि कारीगरों पर हमला करने के लिए किसने कहा था? अब कौन कहेगा, सुरेश रावत ने तो कहा था। मुझे सच जानना है और उनकी कंपनी को टक्कर देने वाली कंपनी जीजीमा टेक्सटाइल्स की मालकिन हूँ। मुझे जानना है कि सुरेश रावत का झूठा नाम लगाकर किसने कारीगरों पर हमला करवाया है। अब वो सुरेश रावत का दुश्मन है तो दुश्मन का दोस्त होता है, इसीलिए मैं दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाना चाहती हूँ। हो सकता है तुम झूठ भी बोल सकती हो, पर हो सकता है मैं सच ही बोल रही हूँ। अच्छा तो आखिरकार सच सामने आ ही है। जब सुरेश रावत से इतनी बड़ी दुश्मनी थी तो कल रात पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी जान क्यों बचाई तुमने? अब तो सच सामने आ ही गया, अब क्या करोगी? जवाब लेने आई हूँ और वो तो लेकर ही जाऊंगी। कोशिश भी मत करना। हथियार मेरे पास भी है भाभी जी। मारना चाहते हो, जान लेना चाहते हो ना, तो शौक से करो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तो मरूंगी लेकिन तुम में से कईयों की जान लेकर जाऊंगी। कौन हो सकता है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है, जिससे मुझे इतनी नफरत है? उत्तरा दी, इसकी हालत देखोगे, ये अपने कर्मों की सजा भुगत चुकी है। लड्डू, हाय लड्डू, मुझे भी खाना है, हाय, तो मुझे लड्डू दो। नहीं, वो ये सब नहीं कर सकती, वो तो ये सब चाले चलने की हालत में ही नहीं है। बिजनेस में कोई वो मैनेजर जिसे मैंने पिछले साल निकाला था, या फिर वो सप्लायर जिसका लाखों का माल रिजेक्ट किया था, कौन हो सकता है, या फिर कोई कॉम्पिटिटर? सुयस्तर बेकसूर है, उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये एक बस साजिश थी। आपके दुश्मन अभिषेक सांघवी से मिलके आपको फंसाने का प्लान बनाया। वैसे भावना के बयान पर ज्यादा कुछ लोग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अभिषेक सांघवी हाथ में बर्बाद कर दूंगा सोच चावल। वही है जो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा भी है और ताकत भी है, लेकिन बिना किसी सबूत के मैं पुलिस को उसका नाम दूंगा तो वो और ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा। सच में इन सब के पीछे अभिषेक सांघवी। सुरेश को मार डालना पड़ेगा, मार डालना पड़ेगा।
किसे मार डालो? उतरा उतरा, क्या कह रही हूँ उतरा? क्या हो उतरा, तुम ठीक तो? तुम सपना देख रही थी? क्या कह रही थी? किसे मार डालो? क्या हो गया? वो जो लोग मुझे पाकर बोलते हैं ना, तुम सबको मार डालोगी। वो पत्थर मारते हैं ना मुझे, तुम मेरे लिए उन्हें मार डालना। कोई बचना नहीं चाहिए, सब सब मर जानी चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है, मेरे लिए उनको मार डालोगे ना, मैं तो हिल रह दूंगी। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए जो मेरी बीवी की ऐसी हालत हो गई। मेरा पिता जेल में है, पोते का कुछ पता नहीं है और बहू को गुंडों के साथ जूझना पड़ रहा। वो वफा कर रहा था, वहां से मुझे पागल हो जाता, मैंने मार दी उसे। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, मर गया। लड्डू, भूख लग रही है? हाँ। कैसा आदमी है ये देवराज, तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है, कुछ खाने के लिए नहीं रखा। एक मिनट आंटी। ये देखो, मेरा पेट भर गया। कैसे? पहली बार थोड़ी ना भूखा रहा हूँ। जब भी भूख लगती है कुछ अच्छी खाने की चीज याद करता हूँ और पानी पी लेता हूँ। अब मैंने फाल्गुनी आंटी की बनाई हुई खीर याद की और पेट भर गया। जानती हो बिट्टू रानी, मैं जब भी फाल्गुनी आंटी और सुरेश से मिलता था बस यही सोचता था कि वो दोनों मेरे माँ बाप को क्यों नहीं है। पर जादू देखो, वो दोनों मेरे माँ बापू निकले। बस उनसे माँ बापू की तरह कभी मिल नहीं पाई। लड्डू, बहुत जल्द मिलोगे तुम उनसे, तीनों एक साथ होंगे, देखना। पर वो एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? सात साल पहले की बात है ये। तुमने मेरे बेटे को मारा, तुमने मेरे बेटे का खून किया ना, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। उस औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है जिसे मां होने का मतलब एक बता। निकलो। ओ, तो मैं वजह हूं उनके दूर दूर रहने की। ठीक है, तो मैं ही उनको पास पास लाऊंगा। कौन सा नाम हो सकता है जो दुश्मन है? मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे भैया जानते हो या जिससे भैया की दुश्मनी हो। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू अभी तक मंदिर से नहीं आई। मैं फोन करता हूँ।
आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। उसका फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा है। क्या? अब तक तो उसे मंदिर से आ जाना चाहिए था। एक मिनट में पुजारी जी से ही बात कर लेती। हाँ। हेलो जी पुजारी जी, मैं फाल्गुनी बोल रही हूँ। नियति आई होगी ना मंदिर, क्या अभी तक वो वही है? क्या क्या हुआ? ठीक है विधान, वो तो कह रहे हैं कि वो मंदिर आई ही नहीं। तो फिर कहाँ गई होगी? इतने से फोन बंद करके कहाँ जा सकती है? अरुणा जी, आप नियति जी को लेके परेशान है? जी, क्या आपने उसे देखा है? जी, वो मंदिर के पीछे वाली गली में जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी का छुप छुप के पीछा कर रही थी। मैं बस में था, जब तक उतर के उनके पीछे जाता वो कहीं चली गई थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा इसलिए आपको बताने चला आया। मंदिर के पीछे वाली गली में किसका पीछा कर रही होगी? क्या आपने उस आदमी की शक्ल देखी थी? जी। हो सकता है कि जिसका नियति जी पीछा कर रही थी उसको इस बात की भनक लग गई हो और उसे उन्होंने किडनैप कर लिया। इसे पहचानती हैं? ये तो देवराज है जिसने लड्डू को कैद करके रखा हुआ है। हो सकता है नियति लड्डू को ढूंढते हुए इसके पीछे गई हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं उस गली में जाकर ढूंढता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों भी आपके साथ आएंगे, प्लीज आइए।